आरएसएन सिंह साहब आप किस मत के हैं? हाथ खोल दिया जाए, काइनेटिक वेपन्स इस्तेमाल करने की पूरी छूट दी जाए, और ये इशारा मिल गया है क्या? हमारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कह दिया है क्या इन शब्दों में? आरएसएन सिंह साहब से जवाब लेना चाहता हूं मैं। नहीं, ये जो पहले जो अरेंजमेंट था वो एबनॉर्मल था, डिमोरलाइजिंग था, अनसोल्जरली था। एबनॉर्मल, डिमोरलाइजिंग एंड अनसोल्जरली। और ये जो बयान आ रहा है ना उधर से चाइना की तरफ से, वार्निंग शॉट, साहब ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई फौज वार्निंग शॉट भी देती है। हाँ, कम से कम साधनों से वो दुश्मन का हनन करती है, लेकिन अगर कोई वार्निंग शॉट से डिटर हो जाता है तो उसको वही गोली मार देनी चाहिए। तो ये शब्दावली का जो प्रयोग जो हो रहा है ना, ये वार्निंग शॉट, प्लीज, ये लोगों को, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। व्हाट डू यू मीन बाय वार्निंग शॉट? मैंने फौज में अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना है। इवन एड टू सिविल अथॉरिटी में भी फौज कभी वार्निंग शॉट नहीं देती है। आर्मी ऑलवेज फायर्स फॉर इफेक्ट। तो ये जो चल रही है ना कि आप, और मैंने सुना है, मेरी जो सिखलाई है कि भाई आप हेवियर वेपन से, मैं इन्फेंट्री तक आ रहा हूं, हेवियर वेपन से धीरे धीरे आप कैलिबर घटाते जाते हैं, फिर राइफल पे आते हैं, फिर बेनेट पे आते हैं, फिर धक्का मुक्की पे आते हैं। लेकिन यहां आप धक्का मुक्की से आपने शुरू किया और फिर पूछते हो कि 45 साल में क्यों गोली चली? ये कहां का, ये किसने ये? हमको अपने तौर बदलने पड़ेंगे। जब ऐसे भूत दुश्मन से आप मुकाबिल हैं तो आपको भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। आरसिन सिंह साहब का ये जो गुस्सा है, ये जो झुंझलाहट है, ये इसीलिए है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।